पांच साल बाद योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे तो वो वहां पर भावुक हो गए। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इन छह गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को आदि के संन्यास के 28 साल बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने घर में रात गुजारेंगे। योगी से मिलने के लिए उनकी तीन बहनें पहले ही घर पहुंच चुकी हैं, वहीं उनके तीनों भाई घर पर ही मौजूद हैं। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से नौवीं क्लास तक यहां पर पढ़ा था, ठांगर में चमकोट खाल में। नौवीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन छह हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरवरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन छह गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है।